हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन डे। और आज त्यौहार है तो त्यौहार की शुरुआत कुछ मीठा से करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सवे, और मैंने बहुत कुछ ही मीठा बना लिया था पहले से ही, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। मैंने दो रंग की मिठाइयाँ बनाई थी। और यहाँ पर मेरा घी जो मैंने कुछ दिन पहले निकाला था, इस बार मेरा घी बहुत ही ज़्यादा निकला, तो मैं वही दिखा रही थी आपको। और येलो कलर का दम घी था, मुझे बहुत खुशी होती है देख के। तो मतलब आज त्यौहार है और मैंने दो रंग की मिठाइयाँ भी बनाई थी, तो आज मैं ऐसी सिंपल थोड़ा सा सेवई बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरा सेवई भुंजा चुका है और मेरा दूध गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें सेवई डाल देती हूँ। और मंसु को सेवई पसंद है इसीलिए मैं बनाई कि वो भी थोड़ा खा लेगा, क्योंकि वो मिठाई नहीं खाता, बस चीनी खाता है। और यहाँ पर बस मेरा सेवई बन के रेडी हो गया। देखिए मेरा सेवई बन के रेडी हो गया है। तो मतलब हमारे यहाँ मतलब ना मेरे भाई आए हैं ना उनके बहन आए हैं, तो हम लोग अपने में ही राखी सेलिब्रेट कर लिए हैं। तो चलिए देखिए हमने कैसे राखी सेलिब्रेट की है। बंसु की दीदी आ नहीं पाई क्योंकि उनका कल एग्ज़ाम था, और वो यहीं रहती है, दिल्ली एम्स में रहती है, हॉस्पिटल में नर्सिंग का जॉब कर रही है, तो वो आ नहीं पाई। और यहाँ पर बंसु आरती हो रहा करके वो ताली बजा रहा है, और मैं ही राखी बांध दी बंसु को और बहुत ही अच्छे तरीके से बंधाया वो राखी। पिछले साल तो वो खूब रोया था, लेकिन इस साल बहुत अच्छे से बंधाया। और मुझे बोल रहा था मम्मा आरती दे दो, क्योंकि ना उसे वो बहुत पूजा पाठ करता है और उसे पूजा पाठ के बारे में बहुत कुछ पता है। और यहाँ पर वो मिठाई खाता नहीं है, तो वो उसके लिए हम चॉकलेट रखे हुए थे, चॉकलेट खाता है करके। और यहाँ पर और इसके पापा यहाँ पर खुद से ही राखी बंधा रहे हैं, क्योंकि इनकी दीदी मतलब ये तो बहुत सालों से मतलब अकेले ही राखी अपने से ही बांध रहे, क्योंकि रक्षाबंधन पे एक दिन की छुट्टी मिलती है और ये रक्षाबंधन पे अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो ये खुद से ही बांध लेते हैं। और ऐसे ही हमारा रक्षाबंधन हर साल बनता है एक दूसरे में ही। और हमारी कुछ रक्षाबंधन की पिक हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी पिक कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा और देखिए। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ अपने काम पे लगने के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर, और मेरा किचन पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर मैं पनीर बना रही हूँ और मैं चाय बनाऊँगी। तो पहले मैं दूध में से मलाई निकाल लेती हूँ, और मतलब दूध में मलाई फट फट चुकी थी, तो
तो मैं चछन्नी से छान के मलाई निकाल लूँगी। और आज के मेन्यू में है पनीर और पूरी। हाँ, इस पनीर और पूरी खाने का मन कर रहा था तो, और मिठाई तो थी ही, और मैं सुबह पहले ही खा चुके थे तो फिर अभी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैं पनीर भूंज रही हूँ, और मैंने पनीर को घर में ही बनाया है। मैं सुबह बनाई थी पनीर, वीडियो बनाने के लिए सोची, फिर मैं छोड़ दिया। और मैं पनीर भूंजने के बाद मैंने प्याज को भूंजा है, फिर उसके बाद प्याज को मिक्सर में पीस दी हूँ। और मैं इसका वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि फ़ोन आ गया था ससुराल से, तो मेरे ही कोई फ़ोन आता है तो मैं उसका बीच में थोड़ा सा वीडियो कट गई। तो मैंने प्याज को पहले तेल में अच्छे से भूंज ली थी और फिर मैं मिक्सर में पीस दी हूँ। और मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं पनीर, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बना है मेरा पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं प्याज को अच्छे से एकदम लाल कलर कर भूंज लूँगी, जब तक कि ना कढ़ाई में तेल ना छोड़ दे। मैं किसी भी चीज़ को भूंजती हूँ इतना कि जितना वो तेल छोड़ना स्टार्ट कर दे, जिससे ना वो अच्छे तरीके से भूंजा जाता है। तो यहाँ पर मेरा उधर चाय बन रहा है और इधर मेरा सब्जी बन रही है, मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगी। और बहुत ही गर्मी लग रही थी मुझे किचन में, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी की हुई थी तो मैं, और ऊपर से मैं साड़ी पहनी हुई थी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैं जल्दी साड़ी नहीं पहनती, लेकिन आज मन कर रहा था पहनने को। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरा चाय बन चुका है तो आइए मेरे साथ चाय पीजिएगा। ये गिलास आपके लिए है, नहीं सॉरी मतलब हस्बैंड के लिए। और यहाँ पास मेरे हस्बैंड पहुँच चुके हैं किचन में अपना काम करने, और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं बोली हाँ थोड़ा सा पूरी साथ में मिलके तल लेते हैं। और यहाँ पास मैं मसाले अच्छे से भूंज रही, मेरा प्याज अच्छे से भूंजा चुका था, और मैं इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दी, मतलब मेरे पास धनिया पत्ती रहती नहीं है तो मैं कस्तूरी मेथी ही डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और यहाँ पास मेरे देखिए कितना अच्छे से भूंजा चुका है, और इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा भूंज लूँगी। और वो आटे की मतलब छोटी छोटी लोई बना रहे हैं पूड़ी बनाने के लिए, मैंने पूड़ी थोड़ा सा तल लिया था पहले से, बंसू को खिला दी थी, और बंसू यहाँ पर सोया है और हम लोग अभी खाए नहीं थे तो यहाँ पर वही वो पूरी बना रहे हैं। और मेरा यह सब्जी बन गया है, और मैं इसमें अभी पनीर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं दूध चढ़ाई थी, मैं गैस चालू करना भूल गई थी, तो मैंने पता है सब्जी बनाती हूँ ना एकदम अच्छे से भूंजती हूँ बहुत, ताकि ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। यहाँ पर मैं पनीर मिक्स करके अच्छे से इसे भी मिला लूँगी, फिर मैं इसमें पानी डाल के छोड़ दूँगी। और उधर मेरा दूध गिरने वाला था। और मेरा सब्जी बन के अब रेडी है, तो अब बस ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। और वंशू उठ गया था तो मैं चले गई थी, तो मैं पूरी का वीडियो नहीं बना है,
और मेरा सब्जी देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में। और चलिए मेरा खाना बन के तैयार है, तो आ जाइए खाने। और हम लोग अभी मतलब आज मन नहीं लग रहा था घर में, तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ देखिए कैसा है, कैसा मतलब आपको भी घुमा देती हूँ मैं लॉन्ग ड्राइव पे। बोर हो रहे थे, बस कुछ ख़रीदा नहीं, बस ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अभी शाम हो चुके हैं और रक्षाबंधन का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, और मैं अपने मायके नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा मायके बहुत दूर है, और मैं मतलब शादी के बाद एक बार भी नहीं गई मैं अपने मायके। और मेरा मेकअप सारा उतर चुका है, मैं ना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, पता है क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी रहती है ना, मुझे एकदम अजीब सा लगते रहता है। मैं बार बार फेस धोती हूँ ना, तो मेरा मेकअप सारा धुल जाता है और मुझे बहुत गर्मी लगती है। और मैं आज साड़ी पहन ली ना, तो अनकम्फर्टेबल फील कर रही, इसलिए मैं पता है मैं जल्दी साड़ी नहीं पहनती, लेकिन आज बहुत मन कर रहा था साड़ी पहनने का, तो पहन ली। बहुत दिनों से मन कर रहा था, लेकिन गर्मी के कारण ना मैं पहन नहीं रही थी, तो आज मैं साड़ी पहन ली हूँ। देखिए अच्छा लग रहा है साड़ी, ये मेरे ना स्कूल टाइम के साड़ी है। जब मैं 12th पढ़ती थी, तो मेरे स्कूल में लास्ट डे था, स्कूल का लास्ट डे था, तो उस दिन पार्टी होता है, तो उसी में मतलब साड़ी पहन के मतलब पार्टी अटेंड करते हैं, सबको साड़ी पहनने के लिए बोला जाता है, तो मैंने यही साड़ी खरीदी थी। तो ये वही साड़ी है, और ये थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, कम्फर्टेबल थोड़ा हल्का सा लगता है, क्योंकि मेरा बहुत सारा साड़ी भारी है और शादी के टाइम का ही साड़ी है। फिर मैंने उस एक बार भी साड़ी भी नहीं खरीदा जो हल्की हो। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन डे। और बंसु सुबह से 3 बार कपड़ा चेंज कर चुका है, और क्या बहुत गर्मी है, पता है यहाँ बहुत गर्मी है, मैं एकदम गर्मी से परेशान हो गई हूँ। तो चलिए बाय बाय, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी को फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बाय बाय। और मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ, और ये साड़ी मैंने खुद ही पहनी है, मुझे पहनने नहीं आता, सच्ची में मुझे पहनने नहीं आता, जैसा पहनूं।
लेट भी हो चुका था तो सॉरी बाय।